हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। साथियों, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। तो काफी कैंडिडेट्स के माइंड में कल एक खबर दौड़ रही है, एक क्वेश्चन दौड़ रहा है कि क्या हमारी भर्ती पर खतरा तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है और आपकी कुछ डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसा आप जानते हैं कि 89/17 जो डीओई असिस्टेंट पीआरटी का एग्जाम था, मतलब प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का, तो उसमें चार ऐसे कैंडिडेट्स पाए गए हैं जिनके मतलब चारों के फोटो एडमिट कार्ड पे सेम है, हैंडराइटिंग सेम है, मतलब एक ही बंदे ने या तो सभी का एग्जाम दिया है। हालांकि क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंप दिया गया है और क्राइम ब्रांच से क्या निकल के आता है और सबसे बड़ी बात है कि साथियों, अभी इसमें क्राइम ब्रांच जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इसमें बहुत सारे नए नए चेहरे आपके सामने दिखने को मिलेंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि जो गलत है उसके साथ गलत जरूर होना चाहिए। और अभी फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या हो सकता है, जो मेरा विचार है, मैं अपना विचार बता रहा हूं। सबसे पहले ये जो भी कुछ हुआ है, ये एक या चार कैंडिडेट्स का काम नहीं है, इसमें बहुत सारा एक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं जिस सेंटर पे एग्जाम हुआ है वो सेंटर वाले भी मिले होंगे इसमें। इसके बाद हो सकता है कि और भी कैंडिडेट्स हों जिनका मतलब पता नहीं चला हो, लेकिन अब हो सकता है जब क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इसके साथ में क्या है कि कुछ और कैंडिडेट्स निकल के आ सकते हैं, ये मेरा मानना है। और जहां तक है आप लोग भी शायद इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि चार बंदों का ये काम नहीं है, इसमें और भी कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। और ये मामला सिर्फ ये नहीं, ये जो मामला है ये नहीं कि एमसीडी पीआरटी या जो और एग्जाम है उनसे जुड़ा हुआ, नहीं, ये अलग है। ये डीओई में जो पीआरटी असिस्टेंट टीचर थे 89/17 उनका मामला है। तो जो और कैंडिडेट्स हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, और जो जेन्युइन है इसमें भी 89/17 इसमें भी जो जेन्युइन है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फ्रॉड है उनके लिए एक खतरे की घंटी आ चुकी है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करेगा, हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स या जो उनको लगेंगे कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं गलत है, हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स को भी दोबारा वो चेक करने लगे। तो ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें, कहानी आपको देखने को मिल सकती है, हालांकि जो भी कुछ अपडेट होगी आप लोगों को सबसे पहले बता दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल ना डरें। और इसके बाद काफी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके क्वेश्चन आ रहे बार बार कि एनटीटी का मतलब सिलेक्शन कब तक हो जाएगा या फिजिकल वालों का सिलेक्शन कब तक हो जाएगा। तो साथियों, ये सारी प्रोसेस अभी चली हुई है, जुलाई के महीने के अंदर आपको जिनके मेडिकल नहीं हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए, तो वो सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अभी बात यही है, जो ये काम हुआ है बहुत गलत है और मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि शिक्षा के नाम पे अगर ये धांधली होती है और जो भी इसमें मिले हुए हैं सभी को पकड़ा जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, 10 साल के लिए इन कैंडिडेट्स को बैन किया गया है। अब 10 साल ये देखिए, आप हो सकता था कि एक दो साल मेहनत करके जॉब ले सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यार फीमेल, मतलब चारों फीमेल है और फीमेल मतलब यहां पर शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो ये गलत है। हालांकि देखो, मेल फीमेल उसमें कोई फर्क नहीं होता, लेकिन हम मतलब शिक्षा के उसमें मतलब एक फीमेल पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं कि यार नहीं, जो फीमेल है वो फ्रॉड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे फीमेल भी देखने को मिल रही है। पहले क्या था, मेल कैंडिडेट्स ज्यादा देखने को मिले थे, लेकिन अब फीमेल कैंडिडेट्स कितने, मतलब चारों फीमेल हैं। तो फ्रेंड्स, अभी देखते हैं क्या होता है। हालांकि कानूनी कार्रवाई इन पे हो चुकी है, 10 साल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। इसके बाद जो और कानूनी कार्रवाई होगी आगे, अभी तो क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करेगा, इनको घुमाएगा, फिर जाके जब रिजल्ट आएगा बाद में इनका कि हाँ क्या होना है। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सारा काम मतलब फेयर करें जिससे आप खुश रहें। अब ये देखिए, मतलब पूरे मतलब इन पूरे इंडिया लेवल पे इनकी बेइज्जती होगी, रोल नंबर दिखा दिया, इनके नाम दिखा दिए, अब बताओ क्या यार। मुझे नहीं लगता कि अगर इनको ऐसी जॉब भी मिल जाती तो कोई फायदा होता, मतलब काम ऐसा करना चाहिए जिससे घर वाले भी खुश हो, सब चीज खुश हो, मतलब शॉर्टकट यार अपना रहे लोग,
शिक्षा को इतने गंदे स्तर पे लेके जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो बंदा एलिजिबल नहीं है वो क्या पढ़ा सकता था? अगर इन्होंने फ्रॉड किया है, हालांकि सारी चीजें निकल के आ रही है, वो बंदा क्या पढ़ा सकता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस इनके ऊपर है, जो लोग इनके ऊपर हैं, या मतलब सेंटर वाले जो हैं, मतलब यार वो लोग पैसों के लिए शिक्षा को ऐसे बेच रहे हैं। और खासतौर पर जो शिक्षक है, क्या ऐसे हम शिक्षा को अच्छा कर सकते हैं? मतलब रियली बताऊं, बहुत दुख होता है देख के, लेकिन खुशी इस चीज की है। डीएसएसबी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि डीएसएसबी ने 10 साल के लिए इन कैंडिडेट्स को बैन किया है। बहुत अच्छा काम किया है और मैं दिल से बताऊं डीएसएसबी की तारीफ करता हूं, वेल डन इस काम के लिए। तो फ्रेंड्स, आपके क्या विचार हैं आप भी जरूर बताएं। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे दूसरे चैनल का लिंक है, जिसपे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, फ्री नोट्स मिलेंगे, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्री स्टडी आपको बिल्कुल मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे दूसरे चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको 2-3 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन जो फ्रॉड है और चीजें इसमें फ्रॉड निकल के जरूर आएंगी, क्योंकि ये 4 बंदों का काम नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।